फिरोजाबाद में अचानक 2 महीने का सर्दी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अचानक 2 घंटे के हुए बदलाव में चारों तरफ घने कोहरे की चादर छाई हुई है। विजिबिलिटी इतनी कम हो चुकी है कि दूर दूर तक वाहन दिखाई नहीं दे रहे। वहीं आसपास के जो लोग टहलने या योगा करने के लिए जाते थे, उन लोगों ने भी जनतंत्र टीवी के साथ बातचीत में क्या कुछ कहा, सुनिए। में अचानक 2 महीने बाद बदलाव हुआ है मौसम में। अभी बीच में ऐसा शुरू हो गया था, लग रहा था कि अचानक गर्मी आने वाली है, लेकिन देखने को ये मिल रहा है कि आज अचानक 2 घंटे के अंदर बदलाव हुआ है। और आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं कि मैं कोहरे को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि विजुअलिटी अभी कितनी ख़राब है कि आप इसका खुद ही अनुमान लगा सकते हैं कि दूर दूर तक वाहनों की जो कतारें लगी हुई हैं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल जब वाहन पास में आ जाते हैं तब महसूस होता है कि हाँ पास में गाड़ियाँ निकल रही हैं। और यहाँ पर मेरे साथ कुछ दर्शक भी मेरे साथ मौजूद हैं। आप यहाँ टहलने कब आते हैं? जी सर, मैं डेली आता हूँ सुबह स्टेडियम में रेस लगाने के लिए। तो आज कितना मौसम जो ख़राब है, इतना आज से पहले नहीं रहा है, पूरे सीजन में इतनी जो कोहरा है इतना नहीं रहा है जो आज देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से मौसम का बदलाव है, कहीं ना कहीं ये इशारा कर रहा है कि अभी हम लोगों को अभी इंतजार करना पड़ेगा और सर्दी अभी आगे ऐसे ही बरकरार रहेगी। कैमरा पर्सन कृष्णांत के साथ दीपक भारद्वाज, जनतंत्र टीवी, फिरोजाबाद। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।